हेलो बच्चों, देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेबी एलोडिया। देखिए सेबी एक्ट अलग से है, सेबी एक्ट 1992 का है। वहां पे भी हमने गहराई में बात की है। सेबी क्या है? एक रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट के लिए, एक्टिव स्टॉक रेगुलेटर है। और नो डाउट कानून तो अलग जगह बना हुआ है, लेकिन कानून से हम डेली बेसिस पे जो भी इकोनॉमी में मार्केट्स में कुछ बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से हम एक्ट को डेली बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेबी एक रेगुलेटर है तो उसको पावर दी गई है क्या बनाने की, रेगुलेशंस। तो बिना पार्लियामेंट में जाए बिना एक तरह से देश के लिए क्या बन जाता, लॉ। बहुत सारी सेबी रेगुलेशंस हैं, दुनिया भर की हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ एक है, एलओडीआर 2015। व्हाट इज एलओडीआर? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। देखिए याद कीजिए, मैंने सेबी एक्ट के भी पहले लेक्चर में आपको एक चीज बहुत सिंपल तरीके से समझा दी थी, चार पीपीपी। पी से आप पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ही पब्लिक ऑफर लेके आ सकती है, जिसका मतलब है आप प्रोस्पेक्टस जारी कर सकते हैं और पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, किससे? पब्लिक ऑफर कहें या पी से ही प्रोस्पेक्टस कहें। लेकिन उससे पहले आपको कम से कम एक रेकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए, लिस्टिंग की परमिशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो यहां से बड़ी क्लैरिटी निकल आती है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। तो हम समझ गए कि वैसे भी सेबी रेगुलेशन स्वाभाविक है किसके ऊपर लगेंगी, ए पब्लिक कंपनी। क्या हर एक पब्लिक कंपनी? नो, वो पब्लिक कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा रेज किया है, और रेज किया है तो स्वाभाविक है आपको क्या करवाना पड़ेगा, लिस्टिंग। याद कीजिए कंपनीज एक्ट में हमने वैसे भी लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर, जहां बड़ा सिंपल मैंने बताया था कि लिस्टेड कंपनी क्या है। एक, आप पब्लिक कंपनी है, नंबर दो, आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड होने चाहिए। सो दैट मीन्स अगर आपके प्रेफरेंस शेयर या डेट, डेट की कई बार लिस्टिंग करवानी होती है क्योंकि सभी रेगुलेशन है, हम आपको लिस्टेड नहीं मानते हैं। आप क्या है? पब्लिक कंपनी है, इक्विटी शेयर लिस्ट करवाए हैं। कहां लिस्ट करवाए हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। वो स्टॉक एक्सचेंज कहां की होनी चाहिए? इंडिया की। चार बातें आपको पता होनी चाहिए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन LO बन गया, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस ऑफ 2015। तो उससे रिलेटेड आपको क्या देनी है बेटा, कुछ डिस्क्लोजर्स देनी है। ये रेगुलेशंस आई थी सितंबर 2, 2015 को। पहले मैं थोड़ी सी बेसिक्स की बात करूंगा, जिसमें कोई एग्जाम में आने वाली कोई सच चीज नहीं है, राइट? तो उसमें ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। तो एलओडीआर एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? एनी एंटिटी। एनी एंटिटी वर्ड मतलब वेदर कंपनी और नॉट। तो सिंपल सी बात है, कोई भी जो लिस्टेड एंटिटी है, और वो जरूरी नहीं है वो कंपनी हो, वो बेटा क्या हो सकती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, जिसका मतलब है आप किसी और एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। लिस्टिंग आप कहां करवाते हैं? एक है मेन बोर्ड, जो कि ऑब्वियसली किसके लिए है, स्टॉक एक्सचेंज का, बिग कंपनीज के लिए है, या SME स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, कि स्मॉल स्केल कंपनियां भी अपनी क्या करवा सके लिस्टिंग, लोगों को उनका डेली का भाव शेयर्स का पता चले। तो इसलिए एक अलग से प्लेटफॉर्म दिया गया है। लॉजिक, डिफिकल्ट टू गेट लिस्टेड ऑन मेन एक्सचेंज। छोटी कंपनियां हैं, मेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो पाएंगी। और SME के लिए देखिए कंडीशन एक आती है, और वो कंडीशन क्या है, SME तभी हम मानते हैं अगर मैक्सिमम आपकी पेड अप कैपिटल कितने रुपए है, 25 करोड़ रुपए है। और यहां हम इसे कह देते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये क्या चीज है सर? देखिए इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म कह लीजिए, या जिसे आज के जमाने में हम क्या कहेंगे, स्टार्टअप। तो देश बढ़ेगा अगर देश में ग्रोथ किसकी होगी, स्टार्टअप्स की होगी। स्टार्टअप का मतलब ही क्या है, इनोवेशंस। किसके लिए है? यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग इंडियंस के लिए। तो बड़ा जरूरी है इनको भी स्टॉक एक्सचेंज पे क्या दी जाए, एक विंडो दी जाए। तो अब ये तो छोटी छोटी कंपनियां हैं, इसलिए इनके लिए क्या बनाया गया है, SME या कह लीजिए क्या, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कि ये भी इसके अंदर आ सके और इनको फंडिंग ये अपनी रेज कर सके। वरना क्या होगा? तो ये बेसिकली क्या है, वेयर ई कॉमर्स या इंटरनेट कंपनीज है मेनली, डेटा एनालिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, अदर्स, जितना मर्जी कह लीजिए, इनको एक क्या रहे, इन यंग इंडियंस को एक एक्सेस रहे किस चीज का, इन्वेस्टर्स का, ये पैसा इकट्ठा कर सके। और ये पैसा कहां से लेंगे, अदर देन रिटेल इंडिविजुअल्स। रिटेल का मतलब क्या होगा, आम जनता जो पैसा लगाती है, स्टार्टअप को एकदम से पैसा चाहिए, उनको पैसा कौन देगा,
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देंगे। तो वरना क्या होगा, ये जो स्टार्टअप्स हैं क्या होगा, ये कैसे जाएंगी, प्राइवेट सोर्सेज से पैसा उठाएंगी, प्राइवेट इक्विटी रूट, ये अपने आप को लिस्ट कहां करेंगी, अब्रॉड करेंगी। जैसे मेक माई ट्रिप आप सारे जानते होंगे, स्टार्टअप थी और इसको अपनी लिस्टिंग कहां करवानी पड़ी, नैसडैक अमेरिका में, क्योंकि पैसा तो रेज करना है, हिंदुस्तान में ऐसी चीज नहीं थी तब। तो इसलिए हमने ये भी एक एक्सेस इनको प्रोवाइड किया कि भैया इनके लिए एसएमई के लिए आप एक अलग से सेटअप बनाइए, ताकि यंग इंडियन स्टार्टअप्स मार्केट से पैसा क्या कर सकें, रेज कर सकें। अगर उनके प्रोजेक्ट में, उनके आइडिया में, उनकी कंपनी में दम होगा तो अपने आप क्या बढ़ के आएंगे, सामने से इन्वेस्टर्स आएंगे। अब लिस्टिंग आप किसकी करवाते हैं, देखिए सारी की सारी सिक्योरिटीज कह लीजिए, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज जैसे नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज होती है। नॉन कन्वर्टिबल आप सारे जानते होंगे, डिबेंचर्स हैं, रिडम्पशन भी किसमें होना है, उनके पैसे में, उनको क्या नहीं मिलेंगे, शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल हमने कहा, या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल व्हाट प्रेफरेंस शेयर्स, या परपेचुअल, परपेचुअल मींस फॉरएवर कंटिन्यूटी रहेगी डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, या परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और कहते हैं ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रिपेचुअल हैं, प्रिपेचुअल का मतलब भी क्या हो गया, फॉर एवर। सर प्रेफरेंस शेयर तो हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में, इंटर में सेक्शन 55 में, कि वो रिडीमेबल होती हैं 20 साल में, प्रिपेचुअल इसलिए कहता है, इनको हम क्या मान के चलते हैं, एज गुड एज इक्विटी शेयर लेके चलते हैं एज पर वॉट, आरबीआई गाइडलाइंस, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर किससे, कितने साल से ज्यादा नहीं हो सकते, 20 साल से। देन आईडीआर, आईडीआर देखिए थोड़ा हम पढ़ के आते हैं कहां, सेक्शन 391 में जब हम पढ़ते हैं, बेसिकली क्या फॉरेन कंपनी जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट में हम ये पढ़ के भी आए हुए कंसेप्ट आईडीआर का, राइट, क्योंकि आईडीआर है या कह लीजिए जीडीआर, दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, रिवर्स होता है। तो बेसिकली आईडीआर से, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट से हमें सीखने को क्या मिलता है, कोई बाहर की कंपनी है हिंदुस्तान से क्या कर रही है, पैसा रेज कर रही है, और वो ये डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं, आप पैसा थ्रू बैंक से ही पैसा रेज करते हो, तो ये डिपॉजिटरी रिसीट्स ट्रेडेबल हैं, कहां ट्रेडेबल हैं, स्टॉक मार्केट में, जिसके बारे में हमने डिटेल में देखिए बात करी थी सेक्शन 391 में। तो यहां पे मैं इतना जो लिखा भी है उतनी डिटेल में नहीं जा रहा है सच, आगे देखिए। देन सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, दरअसल सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी रिसीट्स ये सब हम कहां पढ़ते हैं, पेपर 6D में एक एक्ट आता है सरफाइसी एक्ट, या फिर जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज की अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 81 में, वहां पे इस चीज में मैं डिटेल में जाता हूं, अभी हल्का सा आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए बैंक है, आप भी जानते हैं हमारे देश में बैंकों का बुरा हाल है, और अभी भी सरकार ले चल रही है कि SBI के अलावा कोई और नेशनलाइज बैंक ना बचे, इन सबका प्राइवेटाइजेशन करने पर लगी हुई है। तो बैंकों ने क्या दिया, लोन दिया, बैंक लोन देता है तो क्या लेता है, कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखवाता है, जिसे आप कहेंगे कि लोन है लेकिन मोर्टगेज्ड बैक है, लेकिन बैंकों का पैसा क्या हो जाता है बेटे, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंकों का एक तरह से बैंक क्या क्रिएट करते हैं मार्केट में, क्रेडिट क्रिएशन, तो वो सर्कल जो है वो क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। इसलिए बैंक क्या करें, ये अपना एनपीए बेच देते हैं, किसको बेच देते हैं, एक स्पेशल कंपनी जिसे हम कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। ये कंपनी इन बैंकों को पैसा देती है, प्रश्न है इन कंपनी के पास पैसा कहां से आया, ये कंपनियां पैसा रेज करती हैं क्यूबी से, व्हाट इज क्यूबी, क्वालिफाइड बायर्स, ये भी इंस्टीट्यूशनल हाउसेस हैं, तो इनसे पैसा ये रेज करती है, और इनको क्या इश्यू करती है, एआरसी डेट सिक्योरिटीज, उनसे पैसा रेज करती है। लेकिन ये डेट सिक्योरिटीज क्या होती है, मोर्टगेज बैक्ड, क्यों मोर्टगेज बैक्ड है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एआरसी ने क्या खरीद लिया, एनपीए खरीद लिया, जिसका एनपीए था ऑब्वियसली उसका एसेट क्या पड़ा है, गिरवी पड़ा है। तो ये जो पैसा आपने रेज किया डेट सिक्योरिटी से, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसके पीछे मोर्टगेज है, या एक रसीद आपने दे दी किसको, क्यूबी को, तो ये भी एक ट्रेडेबल है मार्केट में। देन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड तो आप सारे जानते ही हैं, जिसके ऊपर हम सभी में पढ़ के आ चुके हैं, राइट, एनी अदर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो यहां तक मैं कहूंगा सेबी रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया, कोई पेपर में आने वाली चीज ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है। तो कहता है पहली बात, ये जो लिस्टिंग रेगुलेशन है, हम इसको दो कैटेगरी के अंदर ब्रेक करके चलते हैं। एक है सब्सटेंसिव प्रोविजन, जिसका मतलब है कि रेगुलेशन का मेन हिस्सा। दूसरा है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कहता है ये होगा इन द फॉर्म ऑफ स्केड्यूल्स टू द रेगुलेशन, रेगुलेशन के साथ स्केड्यूल बना के दिए गए हैं जहां सारी डिटेल्स हैं, राइट।
तो मेन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। पहले हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 17, सब रेगुलेशन 17(1). तो कहता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब हो गया आपके बोर्ड में आपके डायरेक्टर्स किस प्रकार के होंगे। देखिए आप कंपनीज एक्ट में 149 पढ़ के आते हैं, सब सेक्शन 1 में आप पढ़ते हैं मिनिमम डायरेक्टर 1, 2, 3, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, और मैक्सिमम हो सकते हैं 15, जो कि आप रेज कर सकते हो किससे, एसआर से। वैसे हमने नॉलेज बड़ी ली थी कि भैया डायरेक्टर तो कई तरह के हो सकते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है सारा दिन काम भी करते हैं, ये ड्यूल कैपेसिटी में होते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप चैप्टर नंबर 13 कंपनी एक्ट में पढ़ के आते हैं मैनेजरियल पर्सोनल, जिसके अंदर आते हैं एमडी एंड डब्ल्यूटीडी मेनली। तो एमडी और डब्ल्यूटीडी क्या है, डायरेक्टर के साथ वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, वो ड्यूल कैपेसिटी में काम करता है, इसलिए शॉर्ट में वर्ड क्या आ गया, ईडी। और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या हो गए, दूसरे हो गए। अब देखिए हम कहीं कंपनी एक्ट में ये नहीं पढ़ते हैं कि क्या हमें ईडी और नॉन ईडी दोनों चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप रखें ना रखें वो आपके ऊपर है। लेकिन जहां तक सवाल है सेबी रेगुलेशंस का, सेबी रेगुलेशन ने बड़ा क्लियर कहा है कॉम्पोजिशन के ऊपर, कहा है 17(1) में कहा कि आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम से कम कितने रखने होंगे, आधे, जिसका मतलब है 50% और मोर, जिसका मतलब है अगर टोटल डायरेक्टर 12 है आपको नॉन एग्जीक्यूटिव 6 से काम चलेगा, यस, 7 से चलेगा, यस, 8 से चलेगा, यस, क्या 5 से काम चलेगा, द आंसर इज नो, क्योंकि कम से कम आपको रखने हैं 50%। लेकिन हो ये भी सकता है अगर टोटल डायरेक्टर 12 के बजाय अगर 11 हूं, अगर 11 हूं तो आप कहेंगे 50% नॉन एग्जीक्यूटिव, 5.5 तो हो नहीं सकता, इसलिए कॉमन सेंस है लेके चलिए राउंडिंग ऑफ किस चीज की, फ्रैक्शन की, किसकी, फ्रैक्शन की। वन में नहीं लिखा, क्या वर्ड है मेन, नियरेस्ट वन, तो मेन ध्यान दीजिएगा नियरेस्ट वन। जैसे मैंने 11 कहा तो 5.5 बना, तो स्वाभाविक है क्या लेके चलेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि 5.5 है तो ऊपर वाला ही हमें लेना होगा। लेकिन अगर 9 है तो तब भी सिचुएशन आपकी क्या निकलनी है, 4.5। 7 है तब भी क्या निकलनी है, 3.5। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहां लेके चलेंगे तो हमारा 1 में ही कहानी निकलने वाली है, चाहे वर्ड क्या लिखा है, नियरेस्ट लिखा है, राइट। देन देखिए पहली बात, डू नॉट फॉरगेट सेबी रेगुलेशन बेटा किसके ऊपर लगती है, लिस्टेड एंटिटी पे लगती है, अनलिस्टेड की बात नहीं हो रही। मैंने पहले बताया लिस्टेड एंटिटी कौन है, पब्लिक कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी की तो यहां लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसकी भी बात नहीं हो रही, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कहता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा है, लिस्टेड कंपनी, ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है सेबी रेगुलेशन लगनी ही उस पे है। तो कहता अगर उसकी उम्र हो चुकी है 75 ईयर्स, याद कीजिएगा हमने पढ़ा 196 सेक्शन मैनेजरियल पर्सोनल कंपनी एक्ट में हम पढ़ के आते हैं, तो वहां पे क्लियरली हम पढ़ते हैं कि एमपी जो है उसकी कंडीशन हम पढ़ते हैं 196 सब सेक्शन 3 के अंदर 4 कंडीशन पढ़ते हैं। एक एज का पॉइंट हम पढ़ते होते हैं कि कम से कम 21 साल की उम्र चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 70 हो सकती है, लेकिन हम वहां पढ़ के आते हैं 70 से ऊपर वाले भी रखे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड एसआर पास हो प्लस उसकी जस्टिफिकेशन दी जाए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू नोटिस में। और दूसरा था एसआर नहीं पास होता तो कम से कम वोट्स इन फेवर हो ज्यादा, प्लस आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बोर्ड क्या ले लेगा अप्रूवल, तो 70 प्लस वाले को अपॉइंट किया जा सकता है। यहां क्या कह रहा है, कहता अगर आज की उम्र है 75 ईयर्स, आप अपॉइंट कर सकते हैं बाय एसआर, तो यहां पे भी एसआर से अपॉइंट हो सकती है। मतलब मेन चीज हमने क्या सीखी है, यहां पे हमने लिमिट 70 नहीं देखी बेटा, कितनी देखी, 75 तक कोई दिक्कत नहीं, इवन 75 प्लस वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या पास करना होगा, एसआर। और एसआर आपको पता होना चाहिए 3/4 कह लीजिए या 75% वोट्स क्या हो, इन फेवर वर्सेस अगेंस्ट, टोटल मेंबर का नहीं देखते, मीटिंग में जितने आए फेवर वर्सेस अगेंस्ट का देखते हैं। साथ में कहता है जस्टिफिकेशन देनी है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स टू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जो कि सेक्शन नंबर 102 बात करता है। तो देखिए ये आंसर सेम वही हो गया, 196, जहां हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था, 70 साल वाला, किससे रिलेटेड पढ़ा था, मैनेजीरियल पर्सोनल से, और एग्जैक्टली कहें तो हम सब सेक्शन 3 में से पढ़ के आते हैं। जैसे वहां पे मैंने उदाहरण दिया था, मान लीजिए अमिताभ बच्चन एबी इज अ मोर देन अ कैपेबल पर्सन, आज भी उनकी उम्र 80 प्लस हो रही है, तो ऐसे आदमी को आप अपॉइंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वहां था 70 साल, यहां कितना है 75, और लगभग आंसर क्या दिख रहा है आपको, सेम नजर आ रहा है।
देन देखिए, देन कहता है कम से कम आपको एक महिला डायरेक्टर भी रखनी होगी। लेकिन अब ध्यान दीजिए, कंपनी एक्ट में भी 149(1) में रेड विद रूल नंबर, देखिए आप रेड विद रूल नंबर 3 में आप पढ़ते हैं कि वोमेन डायरेक्टर कहां चाहिए होती है, बेटा लिस्टेड कंपनी में चाहिए होती है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जहां हम दो लिमिट्स पढ़ के आते हैं, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की या टर्नओवर 300 करोड़ की। तो कंपनी एक्ट वाला भी मत भूलिए और साथ में क्या लेके चले, सेबी रेगुलेशन, एक महिला डायरेक्टर आपको रखनी ही पड़ेगी। देन अगला पॉइंट क्या आता है, अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में आते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी एंटिटीज लिस्टेड हैं, अगर आप टॉप 1000 में आते हैं, और टॉप 1000 कैसे डिटरमिन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो आपकी ट्रेड हुई है मल्टीप्लाइड विद वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो निकाली जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑब्वियसली ये हम देखते हैं एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आते हैं तो आपको कम से कम क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्या वुमेन डायरेक्टर चाहिए। ध्यान से पॉइंट को समझे आप, एक महिला डायरेक्टर तो चाहिए चाहिए, लेकिन अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आते हैं तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो भी कौन सी, महिला। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया जिसका कोई कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। यह पॉइंट आता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, राइट। तो इसलिए ये वुमेन डायरेक्टर कंपनीज एक्ट वाला, देखिए मैंने ऊपर आपको डिटेल बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगर आप टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में आते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट कितने डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर। इसलिए याद क्या होना चाहिए, अरे 149 सबसेक्शन 1 में कंपनीज एक्ट में मिनिमम डायरेक्टर कितने बताए गए, 1, 2, 3। तो आपको पता होना चाहिए लिस्टेड एंटिटी में कितने चाहिए होते हैं, साहब 6 चाहिए होते हैं। और कौन सी लिस्टेड एंटिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 2000, ये नहीं हर कोई लिस्टेड एंटिटी। तो मतलब आपने एक मॉनेटरी लिमिट ये भी देखी है, 1000 टॉप लिस्टेड एंटिटी में एक महिला वुमेन डायरेक्टर चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, वरना महिला तो वैसे भी चाहिए एक, राइट। दूसरी बात, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में आपको कम से कम डायरेक्टर 6 रखने होंगे, मतलब कंपनीज, दैट मींस एट द एंड ऑफ द डे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना आपने किसका, कंपनीज एक्ट अलॉन्ग विद वॉट, सेबी रेगुलेशंस। तो सिंपली क्या लेके चलिए, दोनों के लिमिट्स विच एवर इज हायर लेके चलिए, जो रियल लाइफ में आपको कंप्लायंस करना होगा अगर आप क्या है, लिस्टेड एंटिटी है। देन देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात आ रही है, कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको कितने रखने होंगे। तो सबसे पहले रिकॉल कर लीजिए कंपनीज एक्ट 149 सबसेक्शन 4 में हम पढ़ के आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हम पढ़ के आते हैं लिस्टेड कंपनी में कितने रखने होते हैं, 1/3, और अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपको कम से कम कितने रखने पड़ते हैं, 2। मतलब कंपनीज एक्ट को पहले साथ में जरूर लेके चले, वो आपने भूलना नहीं है। और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 लिमिट्स, कौन से वाली, 10 करोड़, 100 करोड़ एंड मोर देन 50 करोड़, पीयूसी, टर्नओवर और व्हाट, आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट डिपॉजिट डिबेंचर लोन्स। तो ये लिमिट ना भूलें, लिस्टेड में 1/3 होते हैं, अनलिस्टेड में कितने, कम से कम 2। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं सेबी रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन क्या कहती है, सेबी रेगुलेशन कहती है कि भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको कितने रखने हैं, 1/3 ही रखना है। यही हमने देखा कहां पे, कंपनीज एक्ट में भी, अगर आप लिस्टेड हैं 1/3 किसका, टोटल डायरेक्टर का, ऑब्वियसली राउंडिंग ऑफ, यहां पे भी ध्यान दीजिए किसमें है, नियरेस्ट में ही है 2/1। कहता 1/3 आपने रखने हैं टोटल डायरेक्टर के इंडिपेंडेंट, इफ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वॉट। तो ध्यान से देखना होगा आपको, मतलब यहां पे सिचुएशन डिफरेंट है, कंपनी एक्ट में क्या था, लिस्टेड हो तो आपको क्या चाहिए, 1/3, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वो 3 लिमिट में आ गए तो 2 चाहिए। यहां कहता 1/3 कब चाहिए, अगर चेयरपर्सन किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, अगर चेयरपर्सन किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। कहने का मतलब सर अगर बोर्ड का चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव हो तो बेटा आंसर बदल जाएगा, तो 1/3 नहीं चाहिए, तब कितने चाहिए होंगे, 1/2 या कह लीजिए 50%, आधे चाहिए होंगे। अगर इफ कंपनी डज नॉट हैव रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, क्लियर है, मतलब यही चीज रिवर्स हो गया, अगर कंपनी के यहां रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नहीं है
दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहा है चाहे आपके यहां है कौन रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, मतलब सर ये अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हो तो यहां तो आप बोले थे वन थर्ड, नहीं अब वन थर्ड से भी काम नहीं चलेगा, 50% लेना होगा, कब लेना पड़ेगा। कहता अगर ये जो रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, ये जो चेयरपर्सन है ये कौन है, इज प्रमोटर। क्या है ये, इज प्रमोटर, कंपनी का प्रमोटर है या फिर क्या है, और रिलेटेड टू किसको, प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए पहले बड़ी सिंपल सी बात आ गई, हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, वन थर्ड चाहिए, लेकिन वन थर्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो नॉन एग्जीक्यूटिव है, बात खत्म हो गई, वन थर्ड राइट। लेकिन एक समस्या और आ गई, चाहे वो चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, वन थर्ड से काम नहीं चलेगा, आधे चाहिए होंगे राइट। और एक चीज तो होगी, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है तो आधे चाहिए ही चाहिए। और इधर है कि अगर चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव है तब भी आधे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि वो जो चेयरपर्सन है क्या है, वो प्रमोटर है। और नंबर दो, या वो रिश्तेदार है किसका, प्रमोटर का, या किसका, पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब वो रिश्तेदार है या तो प्रमोटर का या फिर किसका, ऐसे व्यक्ति का जो मैनेजमेंट में है और कौन से लेवल पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है राइट, जिसको आप कह सकते हैं एमडी डब्ल्यूडीडी कुछ भी कह लीजिए इस तरह से, या वन लेवल बिलो वर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, याद कीजिए केएमपी, कंपनीज एक्ट में आप उसका डेफिनेशन पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51, जहां याद कीजिएगा आप 6 क्लॉजेस पढ़ते हैं, पहली पढ़ते थे आप सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, दूसरा पढ़ते थे आप सीएस, तीसरा पढ़ते थे होल टाइम डायरेक्टर, चौथा आपका सीएफओ, पांचवी क्लॉज हम पढ़ा करते थे कोई और व्यक्ति जो क्या है, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर, who is in whole time employment of company designated as KMP by board, कि ऐसे डायरेक्टर के आप नीचे हैं, कौन सा डायरेक्टर, जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी में काम करा और उसके नीचे है सिर्फ कितना, एक लेवल। तो कहता है या फिर आप रिश्तेदार हैं किसके, वो आदमी जो कंपनी में मैनेजमेंट पोजिशन पे है, और कौन सी पोजिशन पे है, लेवल ऑफ बोर्ड है, या बोर्ड से कितना लेवल नीचे है, एक लेवल नीचे वाले आदमी के आप क्या है, रिश्तेदार है। लेकिन समस्या क्या आ गई, कहता अगर इफ प्रमोटर इज व्हाट, इंडिविजुअल नहीं है कंपनी है। देखिए हमने क्लियरली पढ़ा है डायरेक्टर कंपनीज एक्ट में 149(1) में कि भाई साहब डायरेक्टर सिर्फ कौन होता है, इंडिविजुअल होता है। तो कहते समस्या क्या आ गई, कहता मान लीजिए अगर प्रमोटर कंपनी है इसका मतलब है इंडिविजुअल नहीं है, तो कहता रिश्तेदार का मतलब क्या लेके चलेंगे, रिश्तेदार तो कंपनी के रिश्तेदार कौन होंगे। तो कहता रिलेटेड टू प्रमोटर मींस इसका मतलब क्या है, कहता अगर आप लिस्टेड कंपनी है, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो रिश्तेदार किसको माना गया। देखिए याद कीजिए कंपनी एक्ट में भी हम पढ़ के आते हैं रिश्तेदार की डेफिनेशन इंडिविजुअल के लिए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 77, लेकिन ध्यान दीजिए कंपनी के भी हम रिश्तेदार पढ़ के आते हैं चैप्टर नंबर 12 में ही पढ़ के आते हैं सेक्शन 188 के साथ पढ़ के आते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ, जहां हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76। और अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76 में आप किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिलेटेड पार्टी, जिसका मतलब है कंपनी के रिश्तेदार। तो दैट मीन्स यहां पे सेबी रेगुलेशंस में एक तरह से रिश्तेदार किसके, प्रमोटर के, कौन सा प्रमोटर, अगर प्रमोटर कंपनी है और कौन सी कंपनी है, वो लिस्टेड है, तो यहां अलग से बताया गया क्या होंगे, कहता डायरेक्टर्स, लेकिन कौन से डायरेक्टर रिश्तेदार होंगे, अदर देन आईडी, व्हाट इज आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उनका तो बेचारों का वैसे भी क्या नहीं होता, कंपनी से कोई लेना देना होता ही नहीं, तो रिश्तेदारी की बात तो वैसे नहीं होती, तो इसलिए कहता कंपनी के रिश्तेदार होंगे डायरेक्टर्स, लेकिन अदर देन आईडी उसके कंपनी के एम्प्लॉइज या कंपनी से रिलेटेड कोई भी उसकी नॉमिनी वगैरह राइट। और अगर अनलिस्टेड एंटिटी है तो रिश्तेदार कौन होंगे, या सेम आंसर है, सेम कॉपी पेस्ट आंसर है, बस मैंने ये नहीं लिखा अदर देन आईडी।
अरे ऐसा, क्योंकि आपको समझना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेसिकली होते कौन सी कंपनी में, लिस्टेड में होते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक में भी होते हैं जब हमने कहा तीन लिमिट्स कंपनीज एक्ट में सेटिस्फाई करनी पड़े। तो यहां सिंपली क्या लिखा है डायरेक्टर, यहां मोटा मोटा कह लीजिए आईडी होते ही नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी पे ये नहीं लगेगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब चाहे आप लिस्टेड एंटिटी हैं, सेबी रेगुलेशन आपके ऊपर लग रही है, लेकिन आप कंपनी कौन सी हो। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, इनके यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए नहीं। और कंपनी एक्ट में भी यही लिखा है कि सेक्शन 8 कंपनी में क्या नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान ये दीजिए बेटा जी, इन सबको ये जो प्रोविजन है ये आप कब पढ़ रहे हैं। अगर डायरेक्टर्स का पूरा पोर्शन आपने कर लिया है, मोटा मोटा कह लीजिए अगर चैप्टर 11 कर लिया, 12 कर लिया एंड 13 कर लिया, अगर कर लिया है उसके साथ सेबी रेगुलेशन करो तो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप लॉन्ग रन में टिका सकते हैं, वरना देखिए टिकाना मुश्किल है। मतलब मेरा कहना बार बार ये रहेगा चैप्टर 11, 12, 13 अगर आपने, आपको टिप्स पे आता है लगभग, तो आप सेबी रेगुलेशन को अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट पेपर तक हैंडल कर पाएंगे, वरना पेपर में क्या हो सकती है कुछ मिक्स मिठाई बन सकती है और वहां हम मारे जाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट पेपर कैसे डाल रहा है, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक की तरह डाल रहा है। तो आइए एक बार हम कोशिश करते हैं कि हमें ये चीजें याद हो। देखिए हमारा मेन प्रश्न स्टार्ट हुआ था, ये अभी तक हम एक ही पॉइंट मेन पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन 17(1), जहां हमने बात करी है बेटे किसकी बात करी है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड की बात करी है। तो यहां कंपनी एक्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन यहां साफ बताया गया है सेबी रेगुलेशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव भी होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव, और नॉन एग्जीक्यूटिव कम से कम आपको रखने आधे, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट में हम लेके चलेंगे। दूसरी बात यह कही गई है अगर नॉन एग्जीक्यूटिव की उम्र 75 की हो चुकी है तो बस ये मैक्सिमम एज है, लेकिन हम इसको भी एक्सीड कर सकते हैं, दो कंडीशन है, आप एसआर पास करें प्लस जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो कि आप सेक्शन 102 में 101 में देखिए जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है उसके साथ हम लगा के भेजते हैं, वो जरूर आप भेजिए तो आप अपॉइंट कर सकते हैं। तीसरी बात, आपको एक महिला डायरेक्टर रखनी है, लेकिन अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आते हैं तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर महिला के रूप में आपको रखना पड़ेगा, और कम से कम आपको डायरेक्टर रखने पड़ेंगे 6, लेकिन कौन सी कंपनी को, जो टॉप 2000 लिस्टेड में आता है। इसके बाद हमारा इंडिपेंडेंट का प्रश्न है, उससे रिलेटेड वुमेन के साथ हमने एक पॉइंट जरूर कर लिया कि टॉप 1000 में एक महिला इंडिपेंडेंट भी चाहिए, मतलब एक तरह से यूं कह लीजिए टोटल डायरेक्टर्स में भी महिला का रिजर्वेशन हो गया और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी किसका रिजर्वेशन हो गया, महिला का हो गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखने होंगे टोटल का 1/3, अगर आपका चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड कौन है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेकिन आपको आधे रखने पड़ेंगे अगर वो नहीं है, मतलब पॉइंट को रिवर्स कर दीजिए, लेकिन थोड़ा टेक्निकल वर्ड भी था, क्या था, अगर कंपनी के यहां रेगुलर क्या नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। और दूसरी बात यह थी कि अगर रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है भी तो वैसे तो 1/3 था, लेकिन हम हाफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं वो क्या है, प्रमोटर है, या तो प्रमोटर है या रिश्तेदार है, किसका, प्रमोटर का या किसी और व्यक्ति का जो कहां आता है, मैनेजमेंट पोजीशन में आता है, कौन से लेवल पे, लेवल ऑफ बोर्ड या बोर्ड से एक लेवल नीचे। लेकिन समस्या कहां आई, अगर वो जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल ना होके क्या है, कंपनी है, तो हम रिश्तेदार किसको मान के चलेंगे। तो हमने कहा साहब ये रिश्तेदार रहेंगे 3 लोग, डायरेक्टर प्लस कंपनी के एम्प्लॉई प्लस नॉमिनी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं तो हमने कह दिया कि अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, और सेक्शन 8 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट ना तो देखिए सेबी रेगुलेशन में लगता है, ना ही बेटे कहां लगेगा, आपके कंपनीज एक्ट में भी 149 में हम यही पढ़ते हैं। चलिए कहानी आगे बढ़ती है, तो आगे कहता है इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द वर्ड इज इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसका मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस तरह से काम वगैरह कर रहे हैं। तो कहता है इसको, इसके काम को इवैल्यूएट करेगा इंटायर बोर्ड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुज परफॉर्मेंस इज टू बी एवैल्यूएटेड नॉट टू पार्टिसिपेट। स्वाभाविक है, हमने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम सही कर रहा है नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वही एक ऐसा आदमी है जो वॉच डॉग का काम कर रहा है, वही ऐसा आदमी जो विसल ब्लोअर का काम करेगा अगर कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कहते उसकी परफॉर्मेंस कौन मेजर करेगा, बोर्ड। मान लीजिए बोर्ड में जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनमें तो कुछ ऑलरेडी इंडिपेंडेंट भी है, तो इसलिए क्या कह गया,
बोर्ड मेंशन करेगा, लेकिन इस बोर्ड के अंदर वो वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा जिसकी हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं। आईडी हूज परफॉर्मेंस इज टू बी इवैल्यूएटेड नॉट टू पार्टिसिपेट। तो मतलब मेन वर्ड आपका क्या है, हूज, जिसकी हम परफॉर्मेंस क्या करें, इवैल्यूएट करें, उसको उससे बाहर रखें। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, ये स्पेसिफाई किया गया है रेगुलेशंस में, एंड देयर इंडिपेंडेंस किससे, ऑब्वियसली फ्रॉम मैनेजमेंट से आपका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा याद कीजिएगा, कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए हम 149(6) में क्या पढ़ते हैं, कंडीशंस पढ़ते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी फिल करनी होती है। जैसे कंपनीज एक्ट में वोमेन डायरेक्टर का भी वैकेंसी का आंसर सेम था, बोर्ड फिल करेगा 3 महीने में और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। ये भी मत भूलिए, मतलब कंपनीज एक्ट को थोड़ा साथ में लेके चलिए। कंडीशंस में सब सेक्शन 6 में मैं पढ़ाता भी किस तरह से पॉइंट्स बना के, 6 कंडीशंस मैं कहता हूं आपको फुलफिल करनी होती है। कितने आईडी चाहिए ये मैंने आपको पहले ही सब सेक्शन 4 के मुताबिक बता दिया। तो एक तरह से ये सारी की सारी लगभग चीजें आप कह लीजिए हमारी चैप्टर 11 से रिलेट करती हैं। एक आदि मैनेजरियल पर्सोनल चैप्टर 13 से भी, 196 से भी मैंने रिलेट किया। अब देखिए चैप्टर नंबर 12 आता है आपका क्या, कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 12 का नाम है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स फ्रॉम सेक्शन 173 से 195 कंपनीज एक्ट में ऑमिट हो चुका है, तो 193 भी कह सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, बोर्ड मीटिंग ऑफ कंपनी रेगुलेशन नंबर 17 क्लॉज 2। तो याद कीजिएगा कंपनीज एक्ट में आप पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 173 में आप क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मीटिंग नॉर्मली कंपनी को साल में कितनी करनी होती है, 4, और ज्यादा से ज्यादा गैप हो सकता है 120 दिन का। लेकिन कुछ 5 स्पेशल कंपनी थी जिसकी कोड की दी थी मैंने ओएसडी, ओ से ओपीसी, एस से 3 थी, स्मॉल स्टार्टअप सेक्शन 8 एंड डॉर्मेंट कंपनी को ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर एक एक करनी पड़ती है, और मिनिमम गैप 90 दिन का रखना होता है जो सेक्शन 8 कंपनी को नहीं रखना होता। ये भी यही कह रहा है, नंबर कितनी करनी होगी साल में 4, और मैक्सिमम गैप भी कितना बताया गया है, 120 दिन। बहुत बढ़िया, ये तो आंसर हमारा कॉपी पेस्ट था कहां, 173 में। कॉरम, कॉरम याद कीजिए हम कंपनी एक्ट में अंडर सेक्शन 174 में पढ़ के आते हैं, और कॉरम हम कहते हैं नॉर्मल कंपनी के लिए 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, जबकि सेक्शन 8 कंपनी का आंसर अलग था 1/4 और 8 विच एवर इज लेस, लेकिन कम से कम 2। यहां देख लीजिए क्या लिखा है, 1/3 और भाई 2 नहीं है, कितना है, 3 है, विच एवर इज हायर। तो कंपनीज एक्ट से आंसर थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखिए कंपनीज एक्ट का भी आंसर मैंने लिख के दे रखा है 1/3 और 2 विच एवर इज व्हाट, मतलब कंपनीज एक्ट को साथ लेके चलिए सभी रेगुलेशन के साथ, नहीं साथ लेके चलेंगे दोनों अलग अलग पढ़ोगे पेपर में, क्या कर सकते हैं, पेपर आजकल आ ही कैसे रहे हैं, हारमोनियस आ रहे हैं, एक एक केस स्टडी बना सकते हैं इस तरह से, कंपनीज प्लस व्हाट, तो एक ही क्वेश्चन केस स्टडी सारा इस पर बना दिया, आप तो पागल हो जाओगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन भी जो आते हैं हमें सब्जेक्टिव, उसमें भी ये ऐसे करने लग पड़े हैं हारमोनियस। तो इसलिए सारी चीजों को साथ में लेके चलिए। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूं, कंपनीज एक्ट बड़ी कोशिश की आपको एक एक सेक्शन टिप्स पे हो, कि आप सेक्शन चाहे वर्टिकल वे में याद करें, हॉरिजॉन्टल वे में याद करें, मैंने हर एक चैप्टर के साथ हर एक चैप्टर का हारमोनियस कंस्ट्रक्शन किया। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई भी चीज आ गया नहीं, जिक्र करता गया करता गया करता गया, सिर्फ उसके लॉजिक यही थे कि मेरे बच्चे किसी भी स्थिति में जैसा मर्जी पेपर आ जाए वो 100% उसे क्या करें, क्लियर करें। तो बस हमें यहां पे एक विशेष ध्यान रखना है साहब, कि भाई यहां कितने हैं, 3 हैं, और जबकि कंपनीज एक्ट में ध्यान दीजिएगा वहां कितना था, 2 था, राइट, नेचुरल विच एवर इज हायर। लेकिन एक बड़ी बात और आ गई, कहता कॉरम के अंदर कम से कम आपको एक क्या रखना पड़ेगा, अरे भैया एक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा। क्या कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ था, नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा। देयर आफ्टर रेगुलेशन नंबर 17(3) है, ये कहता है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट। देखिए कंप्लायंस किसका है, कंप्लायंस है सारे लॉस का, रिपोर्ट कौन बना रहा है, प्रिपेयर्ड बाय कंपनी है, रिव्यू कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, कैसे करेंगे, पीरियोडिकली करेंगे। तो कुछ नहीं है भाई इसके अंदर, कहते हैं रिव्यू करना है कंप्लायंस रिपोर्ट का, जिसका मतलब है क्या लॉस का कंप्लायंस हुआ है नहीं, जो रिपोर्ट बनाई है कंपनी ने, बोर्ड पीरियोडिकली करेगा, और उसमें कुछ गड़बड़ है तो क्या स्टेप्स लिए आपने उसके क्या करने के लिए, रेक्टिफाई, क्या रेक्टिफाई करना है, इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो 17(3) के अंदर कोई हमारे लिए पेपर के लिए कोई हमें कोई रॉकेट साइंस याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है, देखिए अब जो रेगुलेशन है वो 17 नहीं रही है, आपके स्क्रीन पे है रेगुलेशन नंबर 26
क्लॉज वन है। ये रेगुलेशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम ऑन मेंबरशिप ऑफ कमेटीज। ध्यान दीजिए, कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम कमेटीज पढ़ते हैं, सेक्शन 177 में पढ़ते हैं ऑडिट कमेटी, 178 में हम दो कमेटियां पढ़ते हैं एनआरसी एंड एसआरसी। 178 में आता है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो प्रश्न यहां ये है, ये जो कमेटियां बनती हैं कंपनीज में, ध्यान दीजिए कमेटियां जितनी भी कंपनीज में बनती हैं उन सबके अंदर जो लोग होते हैं उसे मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? और वो मेंबर बेसिकली क्या होते हैं? डायरेक्टर ही होते हैं। पूरा कंपनीज एक्ट में नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं, कमेटियां बनती हैं किसकी बनती है? डायरेक्टर्स की होती है। लेकिन शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है लॉ में? मेंबर। कहीं मेंबर का मतलब शेयर होल्डर आप ना ले लें, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्या लगी है, आप डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपके ऊपर क्या लगी है? रोक लगी है। क्या लगी है? रिस्ट्रिक्शन लगी है। किसके ऊपर? ऑन मेंबरशिप ऑफ कमिटीज। कुछ कमेटी के क्या आप मेंबर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कितने बन सकते हैं? तो देखिए यहां सिर्फ दो कमेटियों पे रोक लगी है, मतलब कंपनी में कई क्या होती हैं? अरे भाई कमेटी होती हैं। यहां रोक ओनली ऑन कौन सी कमेटियों पे है? दो है, एक ऑडिट कमेटी एनआरसी नहीं लिखा, दूसरा क्या लिखा है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। देखिए सेबी रेगुलेशन में भी हम पढ़ेंगे, इसका एक चार्ट पढ़ेंगे लेटर ऑन, इन कमेटियों के ऊपर एक प्रॉपर चार्ट पढ़ाऊंगा आपको, ऑडिट कमेटी का भी, एनआरसी का भी, एसआरसी का भी, और एक आरएमसी भी पढ़ेंगे हम, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एक अलग से चार्ट देखेंगे हम। पहले आप पॉइंट को समझें, देखिए हम बात करें दो कमेटियों की, कौन सी? ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में जो मेंबर होते हैं डायरेक्टर ही होते हैं, लेकिन उनके ऊपर सेबी ने क्या लगाई है? रोक लगाई। ये नहीं कहा कि आप बन नहीं सकते हैं, सेबी कहती बनिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनियों में? देखिए आपको यहां पे आना क्या चाहिए, दरअसल इस पॉइंट को अगर आपको ढंग से समझना है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो चीज क्या है भाई साहब? पता आपको ये होना चाहिए, कंपनीज एक्ट का आपको एक सेक्शन पता होना चाहिए 165 सीओए का। ये क्या कहता है? ये डील करता है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप के ऊपर, मतलब एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनियों में क्या बन सकता है? डायरेक्टर। और हम ये लिमिट पढ़ते हैं कितनी? 20 की। वो अलग बात है कंपनीज एक्ट में हम इसे बायफर्केट भी करते हैं दो कैटेगरी में, 10-10 पब्लिक में, 10 और पब्लिक के अंदर वो प्राइवेट कंपनी भी ले लेते हैं जो सब्सिडरी या होल्डिंग है किसकी? पब्लिक की। तो आपने देखा, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता हूं, बिल्कुल हो सकता हूं, तो उन 20 कंपनियों में क्या बनी होंगी? शायद ये कमेटियां भी बनी होंगी। तो प्रश्न है, क्या 20 कंपनियों में मैं डायरेक्टर हूं, क्या उनकी इन दोनों कमेटियों में भी मैं मेंबर बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं? ये है क्वेश्चन, ये समझिए आप। तो कहता है नेचर ऑफ पोजीशन इन कमेटी, मतलब अरे भाई उस कमेटी में आप कौन सी पोजीशन पे बैठे हो? हमने कहा जी मैं उसमें सिर्फ मेंबर हूं, तो लॉ क्या कहता है, सेबी रेगुलेशन 26(1) क्या कहती है? आप ज्यादा से ज्यादा कितनियों में? 10। कहने का मतलब 10 कमेटियों में ही आप मेंबर हो सकते हैं। तो डेट मीन्स अगर मैं 20 कंपनियों में डायरेक्टर हूं तो उनकी एसी एसआरसी अगर 20 की 20 कंपनियों की है, मैं उनमें मेंबर सिर्फ कितनी में रह सकता हूं? 10। लेकिन अगर मैं वहां पे क्या हूं उन कमेटियों का? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के रूप में मैं ज्यादा से ज्यादा कितने में हो सकता हूं? 5। ये लिमिट याद रखनी है, मेंबर में डबल है 10, चेयरपर्सन के रूप में 5। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट, कि पॉइंट किस दिशा में जा रहा है। अब कहता है जब आपने काउंटिंग करनी है ये 10 और 5 की लिमिट की, इंक्लूजन ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कहता गलती मत कर लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे हम सभी रेगुलेशन की बात करें, हम सिर्फ लिस्टेड एंटिटी की बात करें। कहता ये जो काउंटिंग है ये इसके अंदर कहने का मतलब काउंटिंग किसके ऊपर लग रही है? पब्लिक कंपनी के ऊपर, चाहे वो लिस्टेड है चाहे क्या है, अनलिस्टेड है। इवन अनलिस्टेड है तब भी हम आपके ऊपर ये रिस्ट्रेंट एक लगाएंगे, तो ये एक बड़ी बात आ गई यहां पे। देन दूसरा हिस्सा क्या आ गया? एक्सक्लूजन। कहता कोई टेंशन नहीं हमें, हम कोई ये रोक नहीं लगा रहे, आप दुनिया भर की जितनी मर्जी कितनी कंपनियों में, कौन सी में? प्राइवेट में बनो, कोई रोला नहीं। सेक्शन 8 कंपनी में बनो, कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन कंपनी, जिसके ऊपर डेफिनेशन हमने 242 में पढ़ा है, लेकिन याद कीजिए
फॉरेन कंपनी हम कहां पढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं इसे चैप्टर नंबर 20 के अंदर, और ये आता है 22 के अंदर, राइट, सेक्शन नंबर 379 से 393 ए तक हम ये चैप्टर नंबर 22 में पढ़ के आते हैं। नंबर चार, एक ध्यान रखिएगा, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज। कौन सी एंटिटी? मतलब लिस्टेड है क्या, लेकिन क्या लिस्टेड है? अरे भैया डेट, मतलब डेट से पैसा आपने क्या किया, रेज किया। तो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज में भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने नॉर्मली लिस्टेड का बताया था, मीनिंग आपको इक्विटी शेयर्स, राइट। तो कहता लिमिट में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी आएगी, राइट। नंबर दो, लिमिट में चार नहीं आए, ना प्राइवेट कंपनी आई, ना सेक्शन 8 आया, ना फॉरेन कंपनी आए, ना ही हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज आई। देन कहता एज ए डायरेक्टर आपको नोटिस देना है या कह लीजिए इंटीमेशन देना है एवरी डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी टू इन्फॉर्म इट ऑफ कमिटी पोजिशन। अगर आप डायरेक्टर हैं किसके हैं, लिस्टेड एंटिटी के हैं, तो आप उस कंपनी को बताएंगे कमिटी में आपकी क्या पोजिशन है, ही ऑक्यूपाइज इन अदर लिस्टेड एंटिटी। क्यों? क्योंकि ये लिमिट्स का आपने क्या करना है, कंप्लायंस करना है, तो आपको कंपनी को बताना ही होगा, क्योंकि वो कंपनी भी तो ध्यान रखेगी क्या मेरा डायरेक्टर रेगुलेशन 26(1) का कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको ये बताते रहना, और जो भी इसमें बदलाव आ जाए, बदलाव मतलब सर हो सकता है आप मेंबर थे, आप चेयरपर्सन बन गए, हो सकता है पहले वो पब्लिक कंपनी थी, अब वो कन्वर्ट होकर किसमें होगी, प्राइवेट में होगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हो ये भी सकता है प्राइवेट से क्या बन गई हो पब्लिक, फिर तो टेंशन हो गई। तो कहता वो चेंजेस भी बताते आप रहिए। देयर आफ्टर ये देखिए आ गया है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, जिसका जिक्र मैंने कंपनी एक्ट का सेक्शन बताई दिया था आपको, कौन सा है 165 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप देखिए, यहां रेगुलेशन वही चल रही है जो इससे पहले हम पढ़ के आए थे 17A। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप किसकी बात हो रही है, कि 165 में तो लिमिट कितनी आती है, 20 की आती है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं लिस्टेड एंटिटी, कितनी लिस्टेड कंपनियों में आप डायरेक्टर बन सकते हैं, इंक्लूडिंग क्या कहा गया है, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ऑल्टरनेट कहां पढ़ के आते थे हम 161(2) में, कंपनीज एक्ट में बोर्ड आपको अपॉइंट करता था अगर ओरिजिनल डायरेक्टर हिंदुस्तान से एब्सेंट है कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो भी ऐड करके चलना। और मैक्सिमम लिमिट बताई गई है कितनी, 7 लिस्टेड एंटिटीज, और कंपनीज एक्ट में जबकि लिमिट कितनी है 20। तो ध्यान दीजिए, माना आप 20 कंपनियों में डायरेक्टर बने कंपनीज एक्ट में, लेकिन उसमें से आप लिस्टेड कितनी पकड़ सकते हैं, 7, तो बाकी 13 क्या ले सकते हैं आप अनलिस्टेड। और कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करने के लिए ये भी एक ध्यान रखिएगा, पब्लिक कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हैं, 10। तो अगर आप इनको हारमोनियस लेके चलें तो एक बड़ा अच्छा मतलब कह लीजिए एक सिचुएशन निकल के आती है, किस तरह से 7 आपकी क्या हो जाएंगी लिस्टेड, 3 क्या पकड़ लो पब्लिक, 10 क्या पकड़ लो प्राइवेट। तो इससे क्या हो गया, ये कंपनीज एक्ट का भी हारमोनियस हो गया, राइट, इस तरह से। और दूसरी बात क्या कहता है, इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या है आप, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में आप कितनी और कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। कहता मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आप कितने में होंगे, 7 लिस्टेड एंटिटी में। मतलब वैसे भी एक आदमी लिस्टेड में कितने में होगा, 7, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी आप इंडिपेंडेंट वाली पोजीशन सिर्फ कितनी लिस्टेड एंटिटीज में ले सकते हैं, 7 में, ये ध्यान रहे। कहता अगर आप सर्विंग क्या है, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है, कहां है इन एनी लिस्टेड एंटिटी, याद कीजिएगा चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था सेक्शन 203 जहां पढ़ के थे होल टाइम के एमपी, ये होल टाइम के एमपी होते हैं याद कीजिएगा। तो कहता अगर आप किसी लिस्टेड एंटिटी में है, कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप किसी और में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी, 3। अरे सर कहना क्या चाहते हो, याद करना, जब हम होल टाइम के एमपी चैप्टर 13 में सेक्शन 203 पढ़ रहे थे, हमने बड़ा क्लियरली एक चीज कहा था, होल टाइम के एमपी कहीं और के एमपी नहीं हो सकता, लेकिन 3 एक्सेप्शन दी थी। पहला, कहीं और आप डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 165 में आपको 20 की लिमिट मिलती है, याद आ गया। नंबर 2 हमने कहा था आप सब्सिडरी में बन सकते हैं। नंबर 3 हमने कहा था अगर आप एक कंपनी में एमडी हो, ज्यादा से ज्यादा किसी एक और कंपनी में एमडी और मैनेजर आप हो सकते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, एमडी और डब्ल्यूटीडी अगर आप हो कहीं पे, तो इंडिपेंडेंट के डायरेक्टर के रूप में ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनियों में आप बनोगे,
कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी में, तीन। जबकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लिमिट कितनी थी, तो सात की लिमिट हमने घटाकर कितनी कर दी, तीन कर दी। कब कर दी, अगर किसी कंपनी में आप होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन, काउंटिंग फॉर नंबर ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ऑन विच पर्सन इज डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मींस यही मैंने बताया था, कंपनीज एक्ट वाला ही है। लिस्टेड का मतलब है जिसके इक्विटी शेयर्स क्या है, लिस्टेड है, किसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट। तो लगभग वही है जो आप 2 clause 52 में देखते हैं। तो बेटा जी ये लंबा चौड़ा कई चीजें हमारी हो गई हैं, ये एक ही पन्ने के ऊपर कह लीजिए, मतलब विशेष रूप से आप क्या ध्यान रखें कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है और आना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये मैं आपको एक नोट लिख के बता दूं कि ये पक्का आप ध्यान रहे। आप ये जो पेज देख रहे हैं, इस पेज को कब पढ़ें, मतलब ये पेज कब आप अच्छे से इसे लर्न करें, रेड दिस पेज आफ्टर क्या, चैप्टर नंबर 11 से 13 ऑफ व्हाट, कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 13 का भी जिक्र इसके अंदर कई पॉइंट्स का किया, मतलब बेस्ट यूटिलिटी आपको वहां जाके इस चीज की मिलती है। तो आइए एक बार हम और कोशिश करते हैं आपको ये टेक्निकल चीजें, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से हम एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, सेबी रेगुलेशन भी एंड कंपनीज एक्ट भी। देखिए हमने बेसिकली, अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं, दो रेगुलेशन का मैंने यहां जिक्र किया है, एक 17 एक 26। 26 में बस वो, या पहले हम 26 ही पकड़ लेते हैं। 26 हमारा किस पे था, वो दो कमेटियां एसी एंड एसआरसी में डायरेक्टर के ऊपर एक रोक थी, मेंबर के रूप में ज्यादा से ज्यादा 10, चेयरपर्सन के रूप में ज्यादा से ज्यादा 5। और इसमें लिमिट में क्या देखना था, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एड होगी, नहीं एड होगी 4, एक प्राइवेट, नंबर 2 सेक्शन 8 कंपनी, नंबर 3 फॉरेन कंपनी, नंबर 4 हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, राइट। इसलिए लिस्टेड एंटिटी में जहां आप ये बने हुए हैं उसमें बड़ा जरूरी है, कुछ भी बदलाव होता है आप वो बताते रहिए हर लिस्टेड एंटिटी को, ताकि इन लिमिट्स का कंप्लायंस होता रहे। देन हम देखिए, अगर आप सब रेगुलेशन भूल भी जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, रेगुलेशन 17 जरूर याद करें। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपोजिशन, जहां हमने कहा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम से कम आपको आधे रखने पड़ेंगे, और उम्र उनकी 75 साल हो सकती है, 75 से ऊपर वाला ले सकते हैं एसआर प्लस जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। एक महिला डायरेक्टर रखनी है, लेकिन एक महिला इंडिपेंडेंट भी रखनी होगी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को, और टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में कम से कम डायरेक्टर देखिए 6 रखने होंगे, कंपनीज एक्ट वाला 1, 2, 3 नहीं चलेगा, वो गलती आपसे ना हो जाए। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखने होंगे 1/3, अगर आप चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन 1/3 से काम नहीं चलेगा, आपको आधे रखने होंगे, अगर वो रेगुलर कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नहीं है। और दूसरी बात, अगर है भी लेकिन वो साथ में क्या है, प्रमोटर है या रिश्तेदार है, किसका, प्रमोटर का, या ऐसे व्यक्ति का जो कौन सी पोजिशन पे है, मैनेजमेंट पोजिशन में है, एट द लेवल ऑफ बोर्ड है या 1 level बिलो द बोर्ड है। लेकिन अगर जनाब ये प्रमोटर कंपनी है तो रिश्तेदार का मतलब क्या लेंगे, तो कहता है उसके अंदर रिश्तेदार हो जाएंगे कंपनी के डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉई प्लस नॉमिनी। लेकिन अगर लिस्टेड एंटिटी है तो हमने नहीं लेने हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेगा पूरा बोर्ड, लेकिन उसके अंदर ये डायरेक्टर शामिल नहीं होगा। देन हमने बोर्ड मीटिंग की बात करी, बोर्ड मीटिंग ये सब रेगुलेशन हमने 2 में बात करी थी, साहब वही 4 करनी है, और ध्यान रखें कि मैक्सिमम गैप आप रखेंगे 120 दिन का। कोरम यहां थोड़ा कंपनी एक्ट से डिफरेंट रहा, क्योंकि यहां रहा 1/3 और 3, जबकि कंपनी एक्ट में बेटे क्या आता है, 2 आ जाता है। देन हमने कहा ये कंप्लायंस रिपोर्ट जो कंपनी में बनती है, बोर्ड भी पीरियोडिकल उनका क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ये सब रेगुलेशन 3 था। और 17A में हमने पढ़ा मैक्सिमम डायरेक्टरशिप के ऊपर, जो हमने ये कहा कि लिस्टेड एंटिटी में इंक्लूडिंग, चाहे आप अल्टरनेट डायरेक्टर हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 7 कंपनियों में ही डायरेक्टर हो सकते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लिस्टेड में
ज्यादा से ज्यादा सात होंगे, लेकिन सात की लिमिट इंडिपेंडेंट के लिए तीन कर दी गई है अगर आप ऑलरेडी क्या है किसी कंपनी में सर्विंग एमडी या डब्ल्यूटीडी हैं। देन मतलब यही बताया गया है लिस्टेड का कि लिस्टेड का मतलब वही रहेगा जिसके इक्विटी शेयर्स क्या है लिस्टेड है, कहां पे है, स्टॉक एक्सचेंज में है। थैंक यू।